फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हम आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई है। 2014 के पहले हम यही सुनते थे कि भारत यानी फ्रेजाइल फाइव में एक, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज बड़ी इकोनॉमी में दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है, और अगले कुछ ही साल में भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 5 ट्रिलियन की क्लब में हम होंगे, वो दिन दूर नहीं होगा। और जब 2014 में मैंने जब कार्यभार संभाला था, तब दुनिया में आर्थिक दृष्टि से हम 11वें नंबर पर थे। आज हम 6 पर पहुंच गए और 5 होने में देर नहीं लगेगी, आप विश्वास कीजिए। और हमारी कोशिश यह है कि अगले 1.5 दशक में भारत टॉप 3 में जगह बना ले। फ्रेंड्स, भारत में पिछले 4.5 साल में हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने में जुटे हैं। निरंतर हो रहे आर्थिक और सामाजिक सुधारों के कारण हम सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, आज सिस्टम का हिस्सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था, उसके बाद आर्थिक रूप से देश के एकीकरण का काम GST के द्वारा हुआ है। हमने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ दृढ़ता से कदम बढ़ाए हैं, हमने फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमने ग्लोबल रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है। और दुनिया को अचरज हो रहा है कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश, डेवलपिंग कंट्री, ये इतना बड़ा जंप लगा सकता है क्या? वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने मुझे स्पेशली फोन किया था, बोले हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है कि कोई देश डिटर्मिनेशन के साथ इतना बड़ा परिणाम ला सकता है। और ये हिंदुस्तान की ताकत है कि लाए। हम बहुत ही जल्द आ गए, मतलब वहां मौज करो, ये मोदी नहीं कर सकता। और मैंने जिस दिन ये परिणाम आया, इतना बड़ा जंप लगाया, लोग खुशी मना रहे थे, मैंने कहा मुझे वादा करो 50 में कैसे जाएंगे, टॉप 50 में भारत कैसे अपनी जगह बनाएगा। फ्रेंड, दुनिया में भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, और इसलिए देश को पिछले 4 वर्षों में रिकॉर्ड $263 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग अभी हाल में भारत आए होंगे, आपको अपना देश बदला हुआ दिखा होगा, बोलो ना, आते ही नहीं हो क्या? अगर आए होंगे तो जरूर बदला हुआ नजर आए होगा। पिछले 4 साल में भारत में तेजी से बदलाव हो रहा है। आज भारत में करीब करीब हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है, और इसके लिए सिर्फ 1000 दिनों में 33 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए।
और एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में पिछले चार साल में जितने बैंक अकाउंट खोले गए उसके 50% अकेले हिंदुस्तान में खोले गए, और खाते खोले गए इतना ही नहीं, ये गरीब लोग हैं। जब बैंक में खाता खुला तो उनको भी सेविंग करने का मन कर गया, इन खातों में आज $12 बिलियन जमा है। दुनिया इस समय भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्रांति बड़ी बारीकी से देख रहा है। मुद्रा योजना के तहत 128 मिलियन लोगों को $90 बिलियन से अधिक का माइक्रो क्रेडिट दिया गया है, और आपको जानकर के खुशी होगी इनमें से 74% ऋण लेने वाली महिलाएं हैं, और अधिकतम फर्स्ट टाइमर है। बैंक का दरवाजा पहली बार देखा, बैंक से पैसा पहली बार लिया, यानी ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है आप अंदाज लगा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए आज एफोर्डेबल पेंशन स्कोर और इंश्योरेंस की ऐसी स्कीम है जिसमें 90 पैसे लेकर, यानी 90 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक का प्रीमियम है। 90 पैसे कुछ नहीं होता है जी, इतने से प्रीमियम से गरीब व्यक्ति का 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस पक्का हो रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, लोग उसको मोदी केयर के नाम से जानते हैं, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। अरे 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मतलब अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको इनकी टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा, और ये हिंदुस्तान कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज भारत का नाम लिया जाता है। ऐसे बहुत से काम है जिनसे देश की प्रतिष्ठा को शक्ति मिली है। डिजिटल इंडिया से भारत के लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आया है। आज करीब करीब हर भारतीय के पास बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है। देश के 1.25 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। फ्रेंड्स, आज कई मामलों में भारत दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स की पंक्ति में खड़ा है। विश्व में टीबी के खात्मे के लिए दुनिया ने 2030 टारगेट बनाया है, भारत में ये टारगेट 2025 रखा है, और 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 2025 में ये गोल अचीव करके रहेंगे। आज क्लीन एनर्जी के मामले में हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना और गति देने की हमारी पहलों से भारत ग्लोबल लीडरशिप से ग्रीन इकोनॉमी दोनों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारा देश दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आज दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आप अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग हाथ मिलाते हैं तो छोड़ते हैं क्या? इंडिया पकड़ के रखते हैं कि नहीं है? ये बदलाव आया है। फ्रेंड, मैं आपसे ये भी आग्रह करता हूं कि आप भारत के सकारात्मक विकास की जानकारियां को अपने कोरियन मित्रों के साथ साझा करें। मेक इन इंडिया आज ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। कोरिया जैसे मित्र देशों के साथ मिलकर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनना चाहते हैं।